सुन नूरा, ये गन है, नीचे बैठ। ये गन है, ठीक है, ये कॉक है, खींचा बोले लोड हुई, ठीक है। अब देख, समझ गई, समझ गई ना, खींचा गोली लोड हुई, ये कॉक हो चुकी है, ट्रिगर दबाएगी फायर हो जाएगा, समझी, कर लेगी, पकड़। जैसे वो राइफल है ऐसी ये राइफल है, समझ गई, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा। हाँ, नीचे विजिबिलिटी बहुत कम है, चीनी सैनिक नहीं दिख रहे मुझे, ठीक है, हो सकता है कि वो लोग वहां से आ रहे हो, तो संभाल लेगी, संभाल लेगी नूरा, ठीक है, मैं भी आ रहा हूँ, हाँ संभाल नूरा, कर लेगी ना। लोगों से मिली हूँ, मैंने अपने माँ बाप भाई बहन और अपने गांव के कुछ लोग ही देखे हैं, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। लोग तुम्हारे जैसे भी होती है ना जसवंत, अगर इस पूरी दुनिया में लोग तुम्हारे जैसे होते तो लड़ाई कभी नहीं होती। आज सोचती हूँ कि मैंने कितना अच्छा फैसला किया था तुम्हारे पास आने का, नहीं तो न जाने मैं क्या कुछ खो बैठती। किस मिट्टी से बनी हो तुम नूरा? जब उस तरफ से कोई हवा का झोंका आता है ना, तो ऐसा लगता है कि वो मेरे गांव की तरफ से आया है। उस हवा के झोंके में मैं अपने गांव की खुशबू को महसूस कर लेता हूँ। तुम्हें अपने घर का याद नहीं आता,
अकेला अकेला नहीं लगता? आते हैं नूरा, बहुत याद आती है, अकेलापन भी महसूस होता है, पर जब मैं इन पहाड़ों को देखता हूं ना, अकेले खड़े चुपचाप, तो ऐसा लगता है कि ये भी मेरी ही तरह है। तो इनका फिर से साथ देने का मन करता है, अकेलापन दूर हो जाता है अनुरा, और फिर किसी की याद नहीं आती। मां की याद भी नहीं आती अनुरा, सिर्फ मुझे मेरा देश दिखता है, मेरा तिरंगा दिखता है। अच्छा, जब तुम चली जाओगी मेरी भी याद नहीं आएगी तुम्हें? पता नहीं नूरा, और तुझे? पता नहीं नूरा, मैं सोना चाहता हूं। आ जाओ। शब्द खत्म हो चुके थे पर भावनाएं उतनी ही गहरी थीं। काली रात भी चुप थी उन दोनों की ही तरह। वो गहरी नींद सो चुका था पर वो जाग रही थी। भविष्य के गर्व में क्या छुपा था, इस बात से बेखबर हिसाब लगा रही थी कुछ और बचे हुए पलों का जो गिन के उसके पास रह गए थे, और उन्हीं पलों का गुणा भाग करते करते उसे भी नींद आ गई। पानी।
लेके आती हूँ। मैं जनुरा, तू यही रुक, ठीक है? नीचे खतरा है, मैं अभी आती हूँ। मुझे चाहिए सने जनुरा, मैं अभी आएंगे, वो लोग थोड़ी देर तक नहीं आएंगे। मैं जनुरा, यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी, तू यही रुक, ठीक है? मैं आऊंगी, तू यही रुक, ठीक है? कई रातें बीतते बीतते सर्दियां आ गई है बेटा। तेरी माँ तेरे इंतजार में स्वेटर बुन रही है। स्वेटर के बाजुओं को कई बार डांटती हूँ और अनुमान लगाती हूँ कि तू कुछ और बड़ा हो गया होगा। चलती है बेटा, चलती है।
माँ, मैं तेरा वो ऊन का गोला हूँ जो तेरे हाथ से अब छूट चुका है। वंदे उस ऊन के गोले को जो जितना खींचेगी माँ, वो गोला और सिमटता जाएगा, लेकिन अब तेरे हाथ नहीं आ पाएगा। नहीं रे माँ, हूँ उन ऊन के धागों को फिर से सुलझाऊंगी, फिर से गोला बनाऊंगी जब तू आएगा। नहीं आऊंगा माँ, अब नहीं आ पाऊंगा। तेरा बेटा किसी और रास्ते पे निकल पड़ा है माँ। जब कभी भी मेरा नाम आए, फक्र से सिर उठाना माँ, आंसू मत गिराना, क्योंकि तेरी मुस्कुराहट में नजर आऊंगा मैं दुनिया को। जस्सू, तू इस घर का बड़ा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है ना। तेरे दिखाए रास्ते पे तेरा छोटा भाई भी चलेगा। सब कुछ अच्छा कर देना हमारे लिए, ठीक है? होगा तो वही ना जो कि हमारी किस्मत में लिखा है। सब किस्मत का दोष। तू ठीक तो है ना माँ? तेरे बगैर कैसे ठीक होगी मैं? क्या पता नूरा, मेरी कोई गोली उनके लिए बनी हो या उनकी कोई गोली मेरे लिए। नहीं लगने दूंगी, मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं भी लड़ूंगी तुम्हारे साथ मिलके, मैं भी रोकूंगी, तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हारे माँ बाप है नूरा, तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन है, सब कुछ छोड़ के आ गई तुम्हारे लिए। साहब, एक इंच भी नहीं लेने देंगे साहब, चाहे किसी भी हद तक पहुंचना पड़े फिर हमें। बता दो कि फोर्ट गढ़वाल राइफल्स बयोनेट की नोक पे चलती है। और ऐसे हमारा वो जवान शहीद हो गया। पर क्या एक वीर का ये अंत हो सकता था? नहीं, वो वीर फिर से अपनी उस धरती पर अवतरित हुआ।